मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस पर योग किया, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता योग करते नजर नहीं आया। योग लोगों को स्वस्थ बनाता है, लेकिन कांग्रेसियों को योग की महत्वता कहां समझ आएगी। मुख्यमंत्री ने बिहार में गैर भाजपा दलों के एकजुट होने पर कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि से डर गए हैं। भले ही ये कितना एकजुट हो लें, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आएंगे तो मोदी ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की बाढ़ से डरकर सभी विपक्षी एक पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि बाढ़ में सभी लोग पानी उतरने का इंतजार करते हैं। ये लोग तो बाढ़ के समय ही आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव के समय ही इनमें एकता नजर आ रही है, तो फिर कैसे ये प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे। अब ये योग सबके लिए है, सबको जोड़ता है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मुझे योग करते हुए नहीं दिखा। मैंने फोटो तो कम से कम नहीं देखे। जैसे जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाढ़ का पानी नीचे दिखता है तो पेड़ के ऊपर आपको कई मिलेंगे, इंसान भी बैठ जाता है, बाकी भी जिंदगी बचाने बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थन की जो बाढ़ है उससे डर के एक पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि उस बाढ़ के समय बाकी लोग जो पेड़ पे बैठते हैं वो शांति से बैठते हैं ताकि बाढ़ उतर जाए, लेकिन ये तो बाढ़ के समय भी लड़ रहे हैं। किसी के पीएम के पोस्टर लग रहा है, कोई कह रहा है कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। बंगाल से भी वैसी आवाज आ रही और यूपी से भी वैसी आवाज आ रही कि इनको नहीं घुसने दे। ये दीवार पर साफ लिखा हुआ है कि 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्डों को भी तोड़कर भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे, मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में बालाघाट में विराट जनसभा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रानी दुर्गावती का 24 जून को बलिदान दिवस है, लेकिन 24 जून को कई जगह पर कार्यक्रम होने के कारण 27 जून को शेड्यूल में बड़े स्तर पर रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जब भोपाल आएंगे तो वो 2 अभियान लॉन्च करेंगे। पहला अभियान स्किल सेल एनीमिया मिशन है, जिसके तहत स्किल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनके इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी, और दूसरा अभियान 1 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हुए हैं उनका वितरण शेड्यूल में पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रतीकात्मक रूप से होगा। 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे स्किल सेल एनीमिया मिशन, स्किल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया यह अभियान होगा, और दूसरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।